हेलो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग अपना फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं तो गाइस इसके लिए आप लोगों को फेसबुक को ओपन करके राइट साइड में ये ऑप्शन देखेगा इसमें क्लिक कर देना है नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है यहां पर आप लोगों को सेटिंग्स एज प्राइवेसी में क्लिक कर देना है एंड ऊपर आप लोगों को ये सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा ये व्हाइट कलर में ये देखिए इसमें क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है यहाँ पर अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल में क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट कर लेना है यहाँ पर आप लोगों को डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन लिखा हुआ है बीच में इसमें क्लिक कर देना है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेम्पोरली डिएक्टिवेट और अपने डिलीट योर अकाउंट तो इसमें क्लिक कर देना है आप लोगों को एंड यहाँ पर डीएक्टिवेट सिलेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है एंड कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन में क्लिक करना है यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा इसमें क्लिक करना है एंड गाइस आप लोगों को ये देखिए ऑप्शन आ रहा है कि आप लोग क्या क्या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं इस अकाउंट के साथ आप लोगों को सिंपली नीचे सबसे नीचे डिलीट अकाउंट लिखा हुआ है इसमें क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को अपना पासवर्ड एंटर करना है जो भी आपने पासवर्ड रखा हुआ था अगेन आप लोगों को अपना पासवर्ड एंटर करना है मेरा इनकरेक्ट आ गया है दोबारा मांगेगा एंड यहाँ पर कंफर्म परमानेंटली अकाउंट डिलीटेशन पर आ रहा है तो डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है डिलीट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अब आप, आप लोगों को वेट कर लेना है यहाँ पर कोई एरर आ गया है मेरे ख्याल से ये पासवर्ड पहली बार इनकरेक्ट डाला था इसलिए एरार आया हुआ है अगर आपका अकाउंट इसी तरह से आप डिलीट करते हैं तो डिलीट इजीली हो जाएगा कुछ इस तरह से आप लोग अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए